नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं इम्तियाज बराड़ अते अज दे मुद्दे दे विच तुहाडा स्वागत है। अजकल खबरां दे विच चारों पासे ऑपरेशन क्लीन दे नाम दे नाल चारों पासे दहशत फैलाई जा रही है कि किसानां दे उपर ऑपरेशन क्लीन कर दिता जाएगा अते सारयां दे उपर जोर जबरदस्ती की जाएगी अते इस दे नाल नाल होर भी हज़ारां गल्लां बातां दीआं तुकबंदियां बणाईआं अते सुणाईआं जा रहीआं ने जिस दे बारे विच अज किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी साहब ने खुद अगे आके लाइव वीडियो दे जरिए लोकां दे सामने अपनी गल रखी। उन्होंने कहा कि जेकर बीजेपी नू इस गल का भुलेखा है कि वह साडे नाल किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती कर लवेगा तो वह अपने दिमाग दे विच्चों इस गल का वहम कर देवे क्योंकि जेकर साडे नाल किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग किया गया तो केंद्र सरकार ये ना भुले कि उन्होंने आने वाले समय के आम लोगों के ही जाना है अते फिर आम लोग ही उन्होंने नाल इस बारे में गल करेंगे क्योंकि यह अंदोलन सिर्फ साडा किसानों का ही अंदोलन नहीं संगो सारे दे सारे देश दे आम लोगों का अंदोलन है। साथियों आज सुबह से खबर चल रही है, बहुत से लोगों के मैसेज आए ऑपरेशन क्लीन ऑपरेशन क्लीन ऑपरेशन क्लीन, जैसे पता नहीं क्या आफत पड़ने वाली है। पहली बात तो ये है कि ये एक बार अफवाह पहले भी फैलाई गई और ये एक अखबार ने ज़्यादा उछाली है, वो अखबार बार बार जानबूझ के गड़बड़ करता है, बीजेपी का दलाल है। दूसरी बात, अगर वो ऑपरेशन क्लीन करते हैं, कह रहे हैं जबरदस्ती उठाएंगे, कोरोना आ गया बाय फोर्स उठाएंगे, मैं कहता हूं वो मार तो सकते हैं, गोलियां तो मार सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहेगा लोग उठ के घरों को चले जाएं तो भूल जाइए बीजेपी, अपना दिमाग ठीक कर ले बीजेपी। मार तो सकते हैं, 1000 को मार देंगे 500 को मार देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, बीजेपी की जड़ें खुद जाएंगी। एक बार तो मार दोगे गोलियां, उसके बाद कहां जाएंगे? गांवों में जाएंगे ना, उसके बाद जनता में जाएंगे ना, फिर वहां क्या हाल होगा इनका? क्या घुसने देंगे लोग? क्या वहां पे जा पाएंगे? ये राजनीति करनी है इनको, इसलिए बीजेपी अपना दिमाग ठीक कर ले, किसी गलतफहमी में मत रहना। ये किसान है, इनके मारे पिट्टे से नहीं भागने वाले, लठ से नहीं भागने वाले, और तुम्हारे दम नहीं है इतना गोलियां मार दो तुम, और मार दोगे तो मार देना, यहीं पे सीधियां होंगी। मरने के लिए आए हैं हम घर से, भागने के लिए नहीं आए। सुबह से कान पका दिए ऑपरेशन क्लीन ऑपरेशन क्लीन, पता नहीं क्या करेंगे। ये बीजेपी क्लीन होगी, बीजेपी को देश से क्लीन कर देंगे, दोबारा ताव उम्र नहीं आ पाओगे सत्ता में। सुन ले बीजेपी वाला ध्यान से, आप ऐसे बनाना सोचते हैं ना, जैसे आपने मुसलमानों को बदनाम कर दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, इन्होंने कोरोना फैला दिया, मस्जिद से कोरोना फैल गया, हुआ खड़ा कर दिया, अब आप षड्यंत्र रच रहे हो, किसानों ने कोरोना फैला दिया, किसान नहीं मानते, किसान कोरोना फैलाएंगे। हमें पता है आपके षड्यंत्रों का और दुनिया भी जानती है, कोई कोरोना वरोना नहीं है, बीजेपी का दलाल हो गया कोरोना ये। अगर बीजेपी वाले ऐसे करा दो ना पश्चिमी बंगाल में चुनाव बंद करा दो ना, अपने 5 स्टेट में चुनाव बंद, वहां नहीं कोरोना, कोरोना तो वहां भी है जहां बीजेपी का चुनाव होता है, जहां बीजेपी ने भाषण देना होता है, वहां तो कोरोना नहीं होता। ये किसानों के नाम का कोरोना आ गया, हुआ खड़ा कर रहे हैं, खा बखा में डरा रहे हैं लोगों को ताकि किसानों को बदनाम कराया जाए, किसान के आंदोलन को बदनाम कराया जाए। ये षड्यंत्र लंबे नहीं चला करते, काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। अज सवेरे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे उगे अदाकार दीप सिद्धू नू जमानत मिली सी अते हुण फिर तो दीप सिद्धू दी मुड़ गिरफ्तारी हो गई है। दस्या जा रहा है कि दीप सिद्धू नू एक होर मामले दे विच गिरफ्तार किया गया है। ASI विभाग मतलब के पुरातत्व विभाग दे वल्लों दर्ज कार्रवाई कई शिकायत के मामले के दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कोल दर्ज मामले के आधार के उपर
अज गिरफ्तार किया गया है। दस दईए कि दिल्ली स्थित स्थानक कोर्ट तो लाल किला हिंसा नाल जुड़े एक पुराने मामले दे विच दीप सिद्धू नूं जमानत दी गई सी, पर दूसरे मामले दे विच उस नूं नाल ही गिरफ्तार कर लिया गया। अदाकार दीप सिद्धू नूं दिल्ली की 30,000 अदालत तो अज ही सवेरे जमानत मिली सी। उस नूं 30,000 रुपए के निजी बॉन्ड के उपर जमानत दी गई सी। 30,000 अदालत ने अपने हुक्म दे विच कहा है कि दीप सिद्धू जांच पुलिस की मदद करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, अपने फोन नू 24 घंटे ऑन रखेगा और अपनी लोकेशन की जानकारी जांच अधिकारी नू देगा। और हुण जमानत तो बाद उसकी दोबारा हुई गिरफ्तारी किसी फिल्मी सीन तो घट नहीं जाप रही। आम आदमी पार्टी के संगरूर तो MP भगवंत मान आम लोगों के जाके विचरण के कारण हमेशा हर दिल अजीज रहे हैं, जिस कारण वह हमेशा आम लोगों के मुद्दों को कदे पार्लीमेंट के विच अते कदे कदे आम लोगों के विच मीडिया के राही उजागर करते रहते हैं। अते हुण उन्होंने किसानों की मौजूदा स्थिति के उपर फिक्र जाहिर करते हुए गल की है कि किसानों अते किसानी के हालत बहुत ज़्यादा नाजुक ने, जिस कारण किसान बहुत तंगी के विचों गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मीह हनेरी के कारण जिन्हों किसानों की फसल खराब हो चुकी है कि हुण सरकारां उन्होंने मुआवजा देनगियां अते जेकर देवेगी तो कदों देवेगी। कि किसान ते दूरी तीरी मार पै रही है। पहला तो काले कानून करके उथे साडे जिहड़े बजुर्ग ने, मावां ने, बच्चे ने, नौजवान मुंडे ने, वह उथे साढ़े पांच महीने तो बैठे ने। फिर कणक जिहड़ी है इस बार जिहड़ी कि कणक वह फसल है जिहड़ी अद्धी तो साढ़े घर ही रखी जाती है कि असी अपने खाण वास्ते रखते खुराकों वास्ते। इस बार झाड़ भी घट है, कोई लगभग 45 मन का मतलब दड़ा पै रहा, जानी कि 10 तो 15 मन झाड़ भी घट है। तो मंडियां च कोई ओवरफ्लो होने का कोई चांस नहीं। ये फसल तो वह फसल है, मैं आप खुद ऐसे मंडी च लैके आंदा रहा चीमे वाली स्टॉल तो अपनी जिहड़ी कणक। आ बजुर्ग मेरे कोल खड़े ने, 20 दिन हो गए ना, 20 दिन कणक बेचने वास्ते। एदू बद शर्म की गल नहीं हो सकती, अफसर लई भी सरकार लई भी। तो मैं जदों फोन किया ADC साहब नूं कि बारदाना है नहीं, 50,000 बोरी आई है, 2.25 लाख ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਹਜੇ 25% ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣੀ ਭੇਜਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਝੱਖੜ ਚਲੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਇਆ, ਉਧਰ ਮਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੰਗੂਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਕੱਲ ਝੱਖੜ ਚ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਊ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜਦੇ ਨੇ ਫਰਦਾਂ ਲਿਓ ਉਹ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਓ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਲੂਸ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਚ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨੀ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ, ਸ਼ੇਰੋ, ਉਭਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਖੇਪਲ, ਸ਼ਾਹਜਲੀ, ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਚ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਢਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਕਢਾ ਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ DC ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋਇਸਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਤਾਂ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 350 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਜਲੂਰ ਸੜ ਗਿਆ ਲਹਿਰਗਾ ਕੇ ਕੋਲੇ। ਇਧਰ ਕਕਰਾਲੇ ਕਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਛਾਜਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਸੜ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ, ਇੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿੜਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ MLA, ਮਹਿਲਕਲ ਵਾਲੇ MLA ਆਪਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ADC ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।